मुरादाबाद के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के द्वारा हाल ही में जहां नगर पंचायत अगवानपुर में कान्हा गौशाला का शुभारंभ किया गया था, तो वहीं अब नगर पंचायत कांठ में जिलाधिकारी के द्वारा एक और कान्हा गौशाला का शुभारंभ किया गया। गौवंशीय पशुओं के संरक्षण और जनपद वासियों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए जनपद में गौशालाओं का निर्माण कराया जा रहा है। नगर पंचायत कान्हा में कान्हा गौशाला का निर्माण पूर्ण होने पर गौशाला का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पंचायत कांठ के ग्राम गोविंदपुर ज्ञानपुर में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के द्वारा फीता काटकर गाय की पूजा अर्चना कर कान्हा गौशाला का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष इकबाल आलम द्वारा जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह और उप जिलाधिकारी जितेंद्र सिंह वीरवार को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। समस्त कार्यक्रम अधिशासी अधिकारी प्रियंका चौधरी के नेतृत्व में हुआ। भावेश शर्मा द्वारा पूजा अर्चना की गई, साथ ही जिलाधिकारी को 11,000 का चेक कान्हा गौशाला गौरक्षण हेतु दिया गया। कान्हा गौशाला उद्घाटन कार्यक्रम में अभिषेक पाल, अवर अभियंता सुरेंद्र सिंह, विकास शर्मा, गौरक्षा दल जीतू बिश्नोई, हाजी इमरान किसान यूनियन से तथा ग्राम प्रधान रायपुर खुर्द, पहाड़ मऊ, खातापुर, मथाना, ढाकी, अकबरपुर, सिहाली, साहूपुरा, महमूदपुर, माफी, हरी नूरपुर, शाहपुर, अब्दुलबारी के ग्राम प्रधान और सहायक प्रतिनिधि व नगर पंचायत का स्टाफ मौजूद रहा। यहाँ पर आप लोगों से बात करने का अवसर मिला, क्योंकि मुझे रहता मेरे जो जब मैं ब्लॉक में जाके प्रधानों से बात कर रहा था, तो एक दो बार ये हुआ कि मेरे पास चाय की कमी थी, तो मैं सुझाव दिया कि साहब यहीं पर कुछ प्रधानों को बुला लिया जाए, मुझे मैं ब्लॉक में जाऊंगा, वहीं पर प्रधानों से बात करूंगा, क्योंकि हमारी बात पहुंचनी चाहिए। एक प्रधान तक हमारी बात पहुंचेगी तो वो प्रधान की बात गांव तक पहुंचेगी, वो गांव में जाएंगे, 10 लोगों से चर्चा करेंगे, यहां पर भी काफी लोग यहां पर बैठे हुए, तो हमारी बात मैं समझ रहा हूं कि मेरी बात आगे तक जा रही है, और जो हम अब आगे का काम जो दूसरा करने का काम करेंगे वो आप लोगों के सहयोग से ही होगा। जब तक आपके 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 पास संदेश नहीं होगा कि भूसा कलेक्ट क्यों किया जा रहा है और उसका कहां पर उपयोग होगा, वो जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी सब चीजों में आपने जुटता भी। एक बात और मैं कहता हूं, जब कोई सरकारी अधिकारी है, जो जब कोई काम अच्छे ढंग से किया जाता है तो जनता उसको पूरा सपोर्ट करती है। जनता को जब देखेगा कि हाँ बेहतर गुणवत्ता हो रहा है, अब वो घर में बैठ के आराम से सो रहे हैं, खेतों में गाय का कोई खतरा नहीं बचा है, तो हमारा हर जगह पर हर तरह से सहयोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। चेयरमैन साहब की मैं प्रशंसा करूंगा, चेयरमैन साहब वास्तव में बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, और ये मेरे पास कोई जन समस्या को लेकर अपनी अपनी बात कहने के लोग तो सब आते रहते हैं, ये कोई जन समस्या को लेकर आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, कम से कम जन समस्याओं की बात करें तो प्रधान जी चेयरमैन साहब 2-3 बार हमारे पास गए, हमेशा जन समस्या को लेकर गए और इनकी जन समस्या हमें बताते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसको उस पर काम करें।